इसका रिस्पांस की अगर बात करें तो किस प्रकार का रिस्पांस रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितनी खुशी हो रही है रिस्पांस देख के पब्लिक का? सी, आई एम फीलिंग वेरी 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 प्राउड, वेरी हैप्पी कि मैं आज स्पेशली आया था कि ऑडियंस के बीच में बैठ के अपनी फिल्म देखूंगा, और उन्होंने फिल्म देखी और एज एन ऑडियंस मैंने भी अपनी फिल्म फर्स्ट टाइम देखी, तो उनका रिस्पांस जो था वो बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। फिल्म को लेकर उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, मेरे कैरेक्टर को लेकर बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, शोएब के कैरेक्टर को लेकर बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, सो आई एम फीलिंग ग्रेट एंड हैप्पी एंड प्राउड। अच्छा, जितनी पब्लिक निकल रही थी, हमने उनसे बात किया तो सभी ने आपके कैरेक्टर की तारीफ की, तो कैसे हुआ? इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ ब्रिजेश सर का, ब्रिजेश भट्टनाथ त्रिपाठी जी का, कि उन्होंने जैसे जैसा किरदार मुझे दिया, ये किरदार फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग था, इसमें काफ़ी शेड्स थे और मुझे काफ़ी मज़ा आया। जब मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा था तो मुझे जेसी का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद था, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डायरेक्टर सर ब्रिजेश सर फॉर गिविंग मी जेसी। और जैसे आपने कहा कि आप ऑडियंस के साथ मूवी भी देख रहे थे, क्या स्पेशल कॉम्प्लीमेंट मिला है, कुछ अगर बताना चाहिए उसमें, क्या कॉम्प्लीमेंट? जब इंटरवल हुआ तो मैं बाहर आया था जस्ट टू हैव सम स्नैक्स, एंड पीपल वर कॉलिंग मी बाय द नेम ऑफ जेसी, एंड they were saying Jesse, you are Jesse, oh my god, and I said okay, thanks. Then I told them my name Spoy Sharma, that you are a very good actor and we are in love with your character. So agar audience aapko character ke naam se janti hai, if they know you by your character's name, then I feel your act as an actor is successful. Okay, jab tak jinhone nahi dekhi hai film, unke liye kya kehna chahenge, unko kyun dekhni chahiye, kya experience? Dekhiye, main aap sabhi se request karunga, jinhone film nahi dekhi hai, aap aaiye, hamari film dekhiye, aap bilkul bhi niraash nahi honge. Jo positive reviews audience ko mile hain, ऑडियंस ने हमें दिए हैं, जो प्यार सम्मान और मान हमें मिल रहा है ऑडियंस से, वो हम चाहते हैं कि वो और ज़्यादा बढ़े, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कम टू वॉच योर फिल्म बटालियन 609, यू वी विल नॉट लेट यू डाउन, विल मेक यू प्राउड, दैट्स ऑल आई वांट टू से, प्लीज़ कम टू द थिएटर, थैंक यू जी। अरे नहीं, मिमिक्री एक्चुअली जिससे मिमिक्री करने की कोशिश करता है फिल्म में, और सनी देओल साहब के डायलॉग बोलता रहता है वो, देवानंद साहब के, तो सनी देओल का कर देता हूँ, सनी देओल साहब का, तो फिल्म में एक डायलॉग है वही बोल देता हूँ, और अब की बार किसी ने मैं उकसाया तो लाशें बचा दूंगा, लाशा है उकसाना बंद करो, मैं बैच करो, तो सब ज़्यादा इट वॉज लाइक वेरी क्रेसेंट रफ, जब देवानंद साहब के डायलॉग बोलता है तो थोड़ा कूल होता है, सनी देओल साहब की जो प्रेजेंस है वो एकदम खतरनाक है, तो वैसा करने की कोशिश की है, उनको मिमिक करने की कोशिश की है, बट जिस इज नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट, उसने जितनी मिमिक्री की है वो मिमिक करने की कोशिश की है, और यही डिफरेंस है एक जस्सी के कैरेक्टर में और एक मिमिक्री आर्टिस्ट में। मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत महान आर्टिस्ट होते हैं, जस्सी का कैरेक्टर इज़ नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट, तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। रोमांस करते हुए देखिए, मेरा और फरनास का जो रोमांस है वो बड़ा क्यूट लव स्टोरी है, इट्स बेसिकली अ वेरी क्यूट लव स्टोरी। जैसे स्कूल में एक प्योर लव होता है, स्कूल में कॉलेज में, वैसी क्यूट सी हमारी लव स्टोरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्यार की बड़ी ज़रूरत है, प्योर लव की बड़ी ज़रूरत है, तो जब ऑडियंस हमारी फिल्म देख रही है तो उन्होंने भी मुझे बताया कि आपकी और बिजली की जो लव स्टोरी है बड़ी क्यूट है, आप आइए सिनेमा हॉल में, और आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म देख के, मेरे और बिजली के कैरेक्टर को देख के, जस्सी और बिजली के प्यार को देख के, आपको प्यार से प्यार हो जाएगा, यू विल फॉल इन लव विद लव। ओके, लास्टली इसके अलावा इतना एप्रिसिएशन मिल चुका है, अब क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं आपके? जी, मैंने अभी मिस्टर एस एस राजामौली के एसोसिएट डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर वीर नारायण, उनके साथ में 3 फिल्में मैंने साइन की है, उनकी एक फिल्म है भयम बियॉन्ड फियर, वो अभी हम लोग फैब एंड में जा रहे हैं फ्लोर पे, उसके बाद में वो शूट चलेगा टिल मार्च और मिड ऑफ अप्रैल, आफ्टर दैट वी आर डूइंग अनदर फिल्म टुगेदर कॉल्ड कासगंज मैंने लिखी है, और ये फिल्म हम यूपी में शूट करेंगे, एंड आफ्टर वर्ड्स इन नवंबर और दिसंबर वी आर प्लानिंग अनदर फिल्म विद वीर की जो तीसरी फिल्म है वो भी मैं कर रहा हूँ, जो साइन की है मैंने उससे, तो वो नवंबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं, सो अभी ये 3 फिल्म्स हैं और अच्छा साल है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग मी, एंड आई एम सरप्राइज आप लोग थे यहाँ पे, थैंक यू सो सो मच, एंड होप यू गाइज हैव एंजॉयड अवर फिल्म, आपने देखी हो, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी न्यू ईयर अहेड, गॉड ब्लेस, थैंक्स।